इधर भगवान का रथ वहां से चलता है, कहां पहुंचता है, इधर देश में पहुंचने वाला रहता है। रुक्मिणी महारानी सतियों के साथ चलती है गौरव पूजन के लिए। क्यों? क्योंकि गौरव पूजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इनका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। उन्होंने बताया कि प्रभु मैं गौरव पूजन के लिए सुबह सतियों के साथ जाऊंगी, वही मिलूंगी और वहां से ही मुझे लेकर के आप चले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब गौरा पूजन के लिए सखियों के साथ चलती है रुक्मिणी महारानी। आगे आगे फूल की थाली लेकर के, पूजा की थाली लेकर के पीछे पीछे सखियां और सब कैसे चलती है, आइए हम लोग सुनते हैं क्या कहती है। गौरा दरबार चला हो सखी पूजाई अधिक
Oh,
प्रस्तुत किया उत्तरी महारानी ने शक्तियों के साथ माँ गौरा की, और जब इस प्रेम कुम्भार को गौरा महारानी ने देखा बड़ी प्रसन्न हो गई। बाबा जी कहते हैं कि बिनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। महारानी की मूर्ति मुस्कुराने लगी, उनके गले से हार गिर जाती है। जब भी हम कभी मंदिर में अपनी मनोकामना लेकर के जाएं, अगर ये ही स्थिति होती है तो जान लीजिए कि आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होने वाला हो जाएगा। उनके गले से माला निकल जाती है, मूर्ति मुस्कुराने लगती है और आशीर्वाद देती कि मनु जाहिरा क्यों मिली सो बन सहज सुंदर सारो, करुणा निदान सुजान सील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौरी अतीस सुनती सहित ही हर पितली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। माँ गौरा ने आशीर्वाद देवी, हे महारानी आपका निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा, आपको वही वर मिलेगा जो तुमने अपने मन में सोच रखा है, आप बिल्कुल चिंता न करें। इधर महारानी उनका आशीर्वाद ले रही, इधर भगवान का रथ पहुंच जाता है कहाँ, उस मंदिर गौरा मंदिर के पास पहुंच जाता है। इधर जो पहरेदार लगे हैं, जब देखते हैं भगवान कृष्ण के उस स्वरूप को तो उनके मन में वैसा आता है विचार, कैसा इतना तो सुंदर जो है हमारे रुक्मिणी महारानी के लायक ये वर है। अगर सब लोग मनाने लगते हैं हे माँ गौरा यदि मेरा कुछ भी पूर्ण हो, मेरा आशीर्वाद हो, तो आज हमारे गौरा रुक्मिणी महारानी को ये वर मिल जाए। मेरी ये मनोकामना है, मेरी इच्छा, मेरे पुण्य का सब फल मिल जाए, लेकिन मेरी रुक्मिणी का विवाह इसी वर के साथ हो, इसी दूल्हे के साथ। ये देखते देखते उस स्वरूप को जब देखते हैं तो सैनिक जो है मूर्छित हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर गिर जाते हैं। इधर भगवान जब देखते हैं सैनिक को मूर्छित होते तो भगवान रथ करते हैं और महारानी रुक्मिणी के पास जाकर के सिर उनके हाथ को पकड़ कर रथ पर बैठा करके सीधा भगवान की मैया की दुर्गा मैया की दुर्गा मैया की। भगवान लेकर के भागते हैं, इधर जैसे ही कुछ दूर निकलते हैं सारे फिर मूर्छित से सही हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं दौड़ाते हैं कि दौड़ पकड़ लो इसको, मान तो पता चलता है वो भी दौड़ता है पकड़ लो जाने न पाए। जब देखता है गुरु पूर्णिमा रानी निकल जाती है तो उसके मन में बड़ा दुख होता, संकल्प लेता है कि अगर मैं अपनी बहन को अपन नहीं ले पाया तो मुझे मारे नगर में नहीं आऊंगा। दौड़ता है भगवान के पीछा करता है, भगवान इधर भागते हैं आगत लेकर के ऋषिपाल के चिर के सैनिकों को लेकर के, उधर से बलराम भैया भी अपना रथ लेकर के आते हैं। कुछ दूर आगे जब निकलते हैं तो कन्हैया अपने रथ को रोक देते हैं। रोकने के बाद शिशुपाल को दौड़ करके उसके केसों को पकड़ करके अपने रथ में पीछे बांध कर घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। रुक्मिणी माता महारानी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि भैया हे स्वामी मेरा भाई है तो मेरा भाई, इसको छोड़ दो, इस प्रकार से उसको दंडित मत करो। इतने में बलराम भैया भी आ जाते हैं, भगवान उनके केसों को काटने लगते हैं। कहते हैं बलराम कहने का नहीं यार, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस समय नाई का भी काम करना शुरू कर दिए, इस तरह से बाल बना रहे हो, छोड़ दो इसको। और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा साला है, साले का इस तरह से अपमान किया जाता है, छोड़ दो इसको। महारानी रुक्मिणी भी प्रसन्न हो जाती है, पति के भैया स्वामी छोड़ दो मेरा भाई है, भगवान को छोड़ देते हैं और रथ लेकर के अपने द्वारकाधीश को पहुंच जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। वहां कुफरी का स्वागत होता है, द्वारकापुरी विद्युत सजाई जाती है दुल्हन की तरह, और उसमें उस दिन बढ़िया सुंदर विवाह भगवान और महारानी रुक्मिणी का विधि विधान से संपन्न होता है। सारे लोग बराती रूप में वहां सम्मिलित होते हैं। आइए हम लोग भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। आइए हम लोग भी मनाते हैं भगवान के विवाह, बारात चलती है, हम लोग भी बारात लेकर के चलते हैं और कुछ देर में ही विवाह संपन्न हो जाता है। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय, बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय, बोलिए आनंद कर भगवान की जय। आज मेरी ऐसा ऐसा लगता है सारे संसार से
जब अपने घर में कभी किसी की शादी होती है, किसी का विवाह होता है, तो जितने शांति से आज आप लोग बैठे हैं, क्या इतनी शांति रहती है शादी में? थोड़ा लगना चाहिए, उमंग है भगवान की शादी में। बोली श्याम सुंदर लाल की। आज एकादशी नहीं है, अभी दो दिन बाद, ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग खा पी के आए हैं, है ना? एक बार सब लोग जोरदार जयकारा बोलिए उस बड़ी रंग भगवान की। जो जहां बैठे हैं वहीं से ताली बजाते हो क्या? ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरी शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, जोड़ी देखिए, उस समय द्वारिका में भगवान की शादी हुई है, आज इस कालोनी में शादी हो रही है भगवान की। क्या ऐसी ही बजती है? नहीं, एक बार दो हाथों में सब लोग ताली बजाते हैं, लगना चाहिए भगवान का रूप है क्या? सब भगते मन जिनको जिनको आज भगवान के विवाह की बड़ी खुशी है, वो आकर आज नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर में जब विवाह होता है तो सब लोग नृत्य कर लेते हैं ना। और सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे भैया जो पीछे हैं, शिवम भैया,
आप भी आते हैं, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही होती है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जितने लोग बैठे हैं, जो जो नृत्य करने में सक्षम है, जिनके पैरों में कोई तकलीफ है उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पैरों में तकलीफ नहीं है और भगवान की सुंदर कथा में और भगवान के सुंदर विवाह में आज नाच रहे हैं, उनको दुनिया में कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जितने माताएं हैं। जब घर में डीजे बजता है सब लोग बड़ा प्रेम से नाचते हैं, आज तो भगवान का विवाह है, आज सब लोग बड़े प्रेम से, हम लोगों के लिए नहीं भगवान के लिए। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आ जाइए, आज लगना चाहिए भगवान का विवाह क्या। अच्छा पहले बार हाथ उठाइए, कौन घराती वाले एक बार हाथ उठाइए, अच्छा अब एक बार खराती वाले हाथ नीचे, बराती वाले हाथ उठाएं, बराती जितने लोग बारात से हैं, वाह बराती वालों का बड़ा फायदा है, उनको खाने में आइटम मिलता है से खराती से ना, एक बार खराती वाले लगाएंगे जयकार, किसका, रुक्मणी जी का, बोलो रुक्मणी महारानी की। और एक बार अच्छा कुछ जने शामिल बाजा में लोग, कुछ लोग दोनों में हैं, और एक बार जो कराती वाले हैं, नाक मत कटाई गए यहाँ से क्या, बलिवंत के लाला की। एक बार घराती बराती दोनों लोग क्या, बलि रुक्मणी रमण भगवान की। तो घराती वाले कहते हैं क्या, अरे रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, कहते कन्हैया तुम थे नहीं रुक्मणी के लायक, लेकिन ये हम लोगों की कृपा है कि रुक्मणी का हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं क्या, रुक्मणी हमारी गोरी गोरी, थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए क्या, सांभर तेरे नंद यहाँ यहाँ तक आने में कोई शर्म है ना, क्योंकि आज तो भगवान का विवाह है ना, आज किसके लिए शर्मा रही है, डीजे चलेगा तो कोई नहीं शर्माएगी, या झगड़ा करना हो जाए उसमें सबसे आगे, इसलिए आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, जिनके पैरों में अभी जंग नहीं लगे, जिनके दोनों पैर दोनों हाथ सही सलामत है भगवान की दया से, वो आगे आ जाए क्या, भोला मने है नंदलाल जोड़ी का जवाब, भोला मने है नंदलाल जोड़ी का जवाब, 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 भोला मने है नंदलाल, जितने लोग अच्छा जितने लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं खड़े होते हैं उनके लिए क्या, इनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, ये बाराबंकी वाला क्या, जो श्याम जी के लिए जो श्याम जी के तालू न बजाए, जैसे दो भाई है ना कृष्ण और बलराम, एक गोरे हैं एक सांवरे हैं, और दोनों भाई इनमें छटका कमाल सखिया, दोनों भी I'm not a man, 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 I'm not a man
अच्छा रोज आज सब लोग घर से कसम खा के आए, चाहे भगवान की शादी हो चाहे कंस की शादी हो, नाचेंगे नहीं क्या? बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है क्या? तू ये का सहरा सुधारा, आज तुम हमारी सरकार बने इसलिए शाम का सहरा सुधारा लगता है, लगना चाहिए की कथा हो गई है। एक बार सब लोग दोनों पूरे पूरे हाथ, जिनके दोनों हाथ सही सलामत बचे हैं वो आज उठा लेंगे, जिनका हाथ यहाँ नहीं उठाया उनका हाथ कहीं उठेगा कोई मतलब नहीं। क्या कितना सुंदर से आज भगवान के सर पर है क्या? अच्छा जितने लोग नाच रहे हैं, जितने कृष्ण की पार्टी वाले हैं सब नाच रहे हैं, और जितने कंस वाले हैं वही नहीं नाच रहे हैं। तो अब जिनके पैर रुके होंगे वही समझिए कंस की पार्टी वाले हैं, इसलिए सबका पैर चलना चाहिए भाव से। अरे शाम का सेहरा दीदी के लिए बात जोड़ता ताली बजाएंगे सभी लोग। सबसे ज्यादा कथा में इन्हीं के इन्हीं को देखकर हम लोग भी हम लोगों के अंदर जोश रहता है, नहीं हाँ आज उत्सव है। और काफी लोगों को नहीं पता है लेकिन ये 7 दिन से शिव व्रत पे चल रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान की कृपा है इनके ऊपर क्या आए भाई से मुकुट सिर मेरे का I'm
की जय हो। अच्छा देखिए कितनी प्यारी छवि है ना। अच्छा रुक्मणी जी को हम सब ने सजा दिया क्या? मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लेकिन रुक्मणी को तो सजा दिया लेकिन सरकार बाकी है तो भाव से क्या कितने सुंदर लग रहे हैं आज। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, 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 आगे धुंधा सा सिंगार सांवरे, आगे धुंधा सा सिंगार सांवरे, आगे जिसको नाचना आता है वैसे वैसे नाचेंगे। एक तो तेरे सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे भगवान की आरती उसके बाद तब फिर जो है आप उनकी विवाह समय भाग लीजिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षसो हो सूर्यो अजायता सोत्रादा बोले भागवत भगवान की जय। सावर दूल्हा की आरती उतारू हे सखी, सावर दूल्हा की आरती उतारू हे सखी, कान त्याग की आरती उतारू हे सखी, अपने श्याम जी की आरती उतारू हे सखी, आरती उतारू हे सखी, की आरती उतारू हे सखी, आरती उतारू हे सखी, उतारू सखी आरती उतारू हे सखी।
Oh, my God.
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। सन्नाते हनाकं महिमानः
यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहे तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहे तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्तिकावचव पगपादलाब्धे पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पै विलव प्रवालतुलसे जलमञ्जरे भिन्तां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीदं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर न कुछ किया न कर सका न कुछ करने योग जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग दोनों हाथ को जोड़ के धरूं चरण में शीश मैं तो कछु जानूं नहीं प्रभु आप देना आशीष मंत्र महापुष्पांजलि समर्पयामि बोले भागवत भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री मुरलिया वाले की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री देवा के बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की आयुर्वे सभी भक्तों की सब संतन की सब विप्रन की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की पार्वती बताए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे आरती और प्रसाद लेकर के तब जाएंगे सब कुछ पार हो जाए तुम्हारा नाम लिख लूं मैं सब कुछ पार हो जाए तेरा ही नाम ले लेकर तेरा ही नाम ले जीवन सार बैठे तुझे अपना बना करके खुद को सुधार बैठे तेरा ही नाम ले शाम पे रोक
तेरी खातिर टूट टूट के मरना।